इसके लिए प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करने बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस की खासियत यह है कि हो जाने के बाद उसके लिए मेडिसिन नहीं है, परंतु बहुत आसानी से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको प्रतिबंध किया जा सकता है। तो जैसे अभी मुंबई में अभी तक 70,000 जो बाहर से आए हुए प्रवासियों की तपासनी की गई, तो उसमें से 83 अभी तक निगेटिव मिले और जो 7 है उसका भी रिपोर्ट अभी आने का है। तो अभी हम लोग मुंबई महापालिका में सभी इसमें जो स्टेक होल्डर्स है, मतलब सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मुंबई के हॉस्पिटल्स, फिर जो होल्डिंग और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है, सब थिएटर ओनर्स, इनकी संयुक्त बैठक लेके हमने ऐसा निर्णय लिया कि अगर कोरोना वायरस को मुंबई में आने से रुकाना है तो इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए ताकि नागरिकों को समझे कि इसको कैसे रुका सकते हैं। तो इसको रुकाने के जो उपाय योजना जो WHO ने और केंद्र सरकार ने बताए हैं, उसके अंदर बड़े क्राउड में को टालना है, क्राउडिंग, ये सिर्फ बॉडीली फ्लूइड्स मतलब कि लंग्स से जो कॉफ जाती है बाहर, उसी से इसका संसर्जन इन्फेक्शन दूसरे को हो सकता है। तो इसलिए रुमाल यूज करना, अगर कॉफ करना है तो शरीर में ऐसे करने से करना, और दो व्यक्ति एक दूसरे के कम से कम 3 फुट का अंदर रखें, तो ऐसे टाइप के अगर हम स्टेप्स लें तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इसका प्रसार नहीं होगा। तो ये